हेलो फ्रेंड, दिस इज़ हनी हे एंड वेलकम टू माय चैनल हनी का किचन। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल बटन आल्सो सो दैट आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ बाजार वाली क्रिस्पी फ्राइड फिश, ऑथेंटिक एंड परफेक्ट वही रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास 4 किलो रोहू फिश है जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने का, स्ट्रेन करने का जो प्रोसीजर है, जो परफेक्ट मेथड है, वो मैं आपको लास्ट रेसिपी में जब मैंने तिलापिया फिश स्मोकी तवा फिश की रेसिपी आपसे शेयर की थी तब मैंने आपके साथ शेयर किया था। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी ताकि आप इसे बहुत अच्छे से और साफ तरीके से इसे वॉश कर सकें और इसकी सारी स्मेल बिसेन ख़त्म कर सकें। यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया जहाँ पे मैं सबसे पहले अपने जो मैरिनेशन के लिए स्पाइसेस हैं वो प्रिपेयर करूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास 4 टेबलस्पून इमली का पल्प है, ये इस टाइम पे हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही यहाँ पे जाएगा 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसमें हम ऐड करेंगे 3 to 4 टेबलस्पून यहाँ पे बेसन है, 3 टेबलस्पून मैदा। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून सोया सॉस। बाज़ार की फ़िश में लाजमी डलता है, ज़रूर ऐड करें इसे। 3 टेबलस्पून वाइट विनीगर और 3 टेबलस्पून ही चिली सॉस। साथ ही हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, एसेंशियल स्पाइसेस, नोट कर लीजिए इसे। बाज़ार की फ़िश वाले स्पाइसेस हैं, परफेक्ट टेक्सचर और परफेक्ट खुशबू से आएगी। यहाँ पे 2 to 3 टेबलस्पून हमने क्रश्ड कोरिएंडर सीड्स ऐड करने हैं। साथ ही हमने 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करना है, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 2 टेबलस्पून क्यूमिन पाउडर, ज़ीरा पाउडर है ये, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स है, 2 to 3 टेबलस्पून हमने ऐड करना है चाट मसाला पाउडर, 2 to 3 टेबलस्पून यहाँ पे जाएगा लहसुन का पाउडर, ठीक है, और 2 टेबलस्पून यहाँ पे हमारे पास गरम मसाला पाउडर जाएगा। साथ ही हमने यहाँ पे ऐड करना है 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी है, 2 टेबलस्पून ही यहाँ पे इसके ऊपर मसाला आ गया इसलिए आपको नज़र नहीं है, 2 टेबलस्पून ही अजवाइन है, अजवाइन का मैंने इधर पाउडर बना लिया, आप इसे क्रश करके भी डाल सकते हैं। साथ ही 3 टेबलस्पून क्योंकि मेरे पास 4 किलो से ज़्यादा की फ़िश है, 3 टेबलस्पून में साल्ट ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून ही यहाँ पे मेरे पास येलो फूड कलर है, इट्स टोटली ऑप्शनल, आप ऐड भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। तो ये स्पाइसेस इस टाइम पे हम इसमें ऐड कर देंगे, सब स्पाइसेस को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लिए। अब वो फिश रोहू फिश जो कि हमने 1.5 घंटे से वॉश करके अच्छे से स्ट्रेनर पर रखी थी ताकि इसका सारा स्मेली वाटर स्ट्रेन हो जाए, तो अब हम इस मसाले से इसे कोट करेंगे अच्छे से। सारी फिश जो है हमने मसाले से अच्छे से कोट कर ली है, आप देख सकते हैं परफेक्टली ये कोटेड है, ये देखें ज़बरदस्ती ये कोटेड है। अब हमने इसे करना है मैरिनेट। मिनिमम आपने 24 आवर्स लाजमी से फ्रीज़र में रखना है, मैरिनेट करना है। अगर आप परफेक्ट बाज़ार वाली रेशा रेशा सेपरेट जो फ़िश होती है जो हम लाइक करते हैं कि बाज़ार में फ़िश का रेशा रेशा सेपरेट होता है, उसमें ऑयल नहीं होता, परफेक्ट कोई टेक्सचर क्रिस्पी फ़िश का अगर आपको चाहिए तो 24 आवर्स आपने लाजमी मैरिनेट करना है, वरना आप इसे मैरिनेट करके 1 वीक भी रख सकते हैं, 1 वीक के बाद भी आप इसको फ्राई करके इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं 24 आवर्स इसे फ्रीज़र में रखने जा रही हूँ मैरिनेशन के लिए। जी फ्रेंड्स, 24 आवर्स कम्प्लीटली डन है और हमारी फ़िश परफेक्टली मैरिनेट है। तो अब हमने इसको डीप फ्राई करना है।
ऑयल मैंने कढ़ाई में रखा है अच्छे से गर्म होने के लिए। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद हम अपने अपनी फिश को इसमें डालना है और हर तरफ से अच्छा सा ब्यूटीफुल गोल्डन कलर आने तक हमने फ्राई करना है। तो ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट्स लगते हैं एक साइड पे, उसके बाद 5 to 7 मिनट्स के बाद हम इसे फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड पे प्यारा सा गोल्डन कलर तक फ्राई कर लेंगे। बाजार वाली परफेक्ट क्रिस्पी रोहू फिश परफेक्टली डन है। आपने देखा कितनी ज़बरदस्त लग रही है, क्या ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स आए हैं। एक एक रेशा अलग है और अंदर से बिल्कुल बर्फी जैसी है। इट्स अ परफेक्ट डन, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। इफ़ यू विल लाइक दिस रेसिपी गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मेक योर कुकिंग ईजी एंड फन विद मी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।